नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ कुकिंग टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग है। आपके कुकिंग टाइम को भी बचाएगा और जो कुकिंग करने में मेहनत लगती है वो भी बचने वाली है। तो सबसे पहले वाला मेरा टिप है ज़बरदस्त आइसक्रीम घर पे बनाने से लेकर। तो एक मिक्सी जार में आप ले लें 1 कप फुल क्रीम दूध, और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप मलाई। तो आप मलाई को फ्रेश ही लीजिएगा, और खस सिरप है मेरे पास, अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने खस सिरप डाल दिया है, और 2-3 चम्मच ही मैंने पिसी हुई चीनी का पाउडर भी डाल दिया है। और मैंने मिक्सी चला ली थी, और ये देखिए ज़बरदस्त पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। कप में मैंने इसे डाल दिया है, फॉइल पेपर से हमें कवर कर देना है ताकि कोई भी इस पर बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना जमे, और कट लगा करके आइसक्रीम स्टिक को रख दें। और अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में इस तरीके से इस मिक्स को डाल करके फ्रीज़र में रख दें, और ये जम जाएगा। और ये अभी मैंने फ्रीज़र से निकाल रही हूँ, तो लगभग 6 से 7 घंटे में ये आराम से जम जाती है हमारी आइसक्रीम। कुछ सेकंड पानी में डिप करें, और ये देखिए इसके साइड्स बड़ी ही आसानी से लूज़ हो जाते हैं। तो ये मैंने अभी निकाल लिया है, और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त टेस्टी बनती है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2-3 इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं, और ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। सेकंड वाला मेरा टिप है, अगर आप घर पे पनीर की सब्जी या कोई ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं जिसमें काजू आप नहीं डालना चाहते, क्योंकि काजू डालने से वो खाने में थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको एक कढ़ाई या तवे पे ले लेना है 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हमने ले लिया है सूखा धनिया, और 2 चम्मच मैंने तिल ले लिए हैं। तो तिल क्या करता है, हमारी ग्रेवी को थिक बनाने में बहुत ही काम आता है, और भुना हुआ जीरा और धनिया हमारी ग्रेवी को ज़बरदस्त टेस्ट देगा। तो ये आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसे ट्राई कीजिएगा, आप यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सब्जी बनती है। और ये देखिए मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, इसमें मैंने बस टमाटर की प्यूरी और ये मसाला डाला था, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। थर्ड मेरा टिप है आंवले को प्रिजर्व करने से। तो अगर आप साल भर आंवले को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करें, क्योंकि आंवला वैसे भी भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम से भरा हुआ होता है। इसे आपकी स्किन भी साफ रहती है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बालों को और आँखों की हेल्थ के लिए ज़बरदस्त काम करता है। मुँह में जिनके छाले होते हैं उन्हें तो ये ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो इन्हें आप धो लें, वॉश कर लें, और इस तरीके से कट कर लें, बीजों को हटा दें, और एक एयर टाइट बैग में आप इसे जिपलॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में आप डाल करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और फ्रीज़र में ये साल भर तक टिक जाता है, ख़राब नहीं होता है। और जब भी आपको यूज़ करना होता है तो आप इसे निकालें, ये देखिए फ्रीज़र में मैंने इसे रखा हुआ था, और ये जम जाता है, और आपको पानी में बस 1-2 मिनट रख देना है, और उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ टिप, अगर आप गोल्डन टी बना रहे हैं या फिर हल्दी वाला दूध, जो हमारी देसी भाषा में कहा जाता है, जो बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसके भरपूर फायदे उठाने के लिए आपको 2 चुटकी के करीब काली मिर्च ज़रूर डालनी है, क्योंकि हल्दी में एक ऐसा करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो खुद से शरीर में खपता नहीं है, और इसे शरीर में पहुंचाने के लिए काली मिर्च हेल्प करती है। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, और काली मिर्च में पेपरिन नाम का एक तत्व होता है जो हल्दी को बहुत ही स्पीड से उसके फायदे हमारी बॉडी को पहुंचा देता है। फिफ्थ वन, एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है जो आप आजकल इंटरनेट पे वायरल होती हुई देख रहे होंगे, यह है डलगोना कॉफ़ी, जिसे बनाना घर पे बहुत ही आसान है। इक्वल क्वांटिटी में आप चीनी, पानी और इंस्टेंट कॉफ़ी का पाउडर ले लें। अगर आप 1-1 चम्मच लेना चाह रहे हैं तो 1:1:1 रखें या 2:2:2 रखें, अब की ज़रूरत के अनुसार। और उसके बाद में हम इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर अगर घर पे ना हो, हैंड विस्कर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको पानी नॉर्मल नहीं लेना है, थोड़ा सा गुनगुना ले लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी विप हो जाएगा। और ये देखिए ये लगभग 4 से 5 मिनट में ये ज़बरदस्त मिक्स बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम की तरह बन गया है, जैसे हम व्हिपिंग क्रीम को केक पे लगाते हैं उसी तरीके से ये व्हिप हो चुकी है, और इसका कलर भी काफ़ी लाइट हो चुका है, अब ये सफ़ेद रंग में हो गई है। आप साइड्स में कॉर्नर्स में देख सकते हैं कॉफ़ी का जो कलर था पहले और अभी में फ़र्क। और इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, ये ख़राब नहीं होता है। जब भी आपको कुछ भी बनाना है ठंडा या गर्म दूध के साथ में, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। दूध में मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दी हैं, और मैं इस क्रीम को इसके ऊपर डाल रही हूँ, और जो प्रॉपर डलगोना कॉफ़ी होती है वो इस तरीके से दूध के ऊपर फ्लोट करती है, और जब आप इसे पिए आप इसे मिक्स करके एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए ये ज़बरदस्त बनी है, और ये दूध में अभी मिक्स नहीं हुई है, ये ऊपर ही फ्लोट कर रही है,
हल्का सा अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पे आप डाल दें, स्प्रिंकल कर दें कॉफ़ी पाउडर। सिक्स्थ मेरा टिप है, अगर आप आटे का या बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं तो ये टिप आपके ज़रूर काम आएगा। तो घी में अच्छे से आटे को मैंने भून लिया है, और भूनने के बाद में मैं इस पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से इसमें ज़बरदस्त क्रंच ऐड हो जाता है, जैसे कि आपने इसमें सूजी डाल दी हो, और ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बस गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दें, और इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स और चीनी का पाउडर डाल करके इसे बांध लें। और इस टाइम पे बच्चे वैसे भी फ्री हैं, तो ये काम अगर आप बच्चों को भी देंगे तो उन्हें एन्जॉय भी करने को मिलेगा और एक नई लर्निंग भी उनके काम आएगी। सेवेंथ मेरा टिप है, अगर मूंगफली आप घर पे रोस्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो आप 2 मिनट में माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से रोस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 2 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसके छिलके उतर रहे हैं। तो आपको बस रोटेटिंग ट्रे पे मूंगफलियों को स्प्रेड कर देना है और 2 मिनट का टाइम सेट कर देना है। एट्थ मेरा टिप है, अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो ये मोटे वाले साबूदाना है और इसे भीगने में 3 घंटे लगते हैं, तो ये अच्छे से फूले, उसमें उसका टाइम 3 घंटे का लगता ही है। तो ये जल्दी अगर आप इसे भिगोना चाहते हैं तो गर्म पानी में आप इसे भिगोएं और 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें। तो जहाँ 3 घंटे लगते हैं वहाँ आपका काम 1 घंटे में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से फूल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अगली बार आप कभी भी साबूदाना भिगोना भूल जाएं किसी भी रेसिपी के लिए तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। नाइन्थ मेरा टिप है, अगर आप ऑरेंज खाते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं तो ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ऑरेंज पील में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ एक्ने और ऑयली स्किन हो तो उसके लिए तो ये ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो पील को आप धो लें, सुखा लें धूप में, या फिर माइक्रोवेव की रोटेटिंग ट्रे पे रख करके आप उसे ड्राई कर लें, और जब ये ड्राई हो जाएगा मिक्सी में आप इसे पीस लें, और इस पाउडर को आप एयरटाइट डब्बे में डाल करके रख सकते हैं। तो ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है, और मैंने सिर्फ दो ऑरेंज के छिलकों से इसे बनाया है। तो एक छोटी चम्मच मैंने ले लिया है ऑरेंज पील का पाउडर, 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है, और दही हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने शहद भी डाल दिया था। और ये हमारा ज़बरदस्त फेस पैक बन करके तैयार हो गया है। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और जिनकी ऑयली स्किन है और एक्ने पिंपल्स का इशू है तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। 10th और आखिरी मेरा जो टिप है वो है, घर पे अगर बहुत सारे मच्छर हो गए हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो आप ले लें एक धूप या फिर अगरबत्ती के ऊपर का मसाला ले सकते हैं। 2 मैंने कपूर ले लिया है और 3 मैंने ले लिए हैं लौंग। लौंग की जो स्मेल होती है उससे मच्छर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इन सबको मैंने क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद में एक दिए में मैं इन्हें डाल करके इन्हें जलाऊंगी, और जलाने के बाद में फूंक मार दें, और बस इस धुएं को आप जहाँ पे भी बैठे हैं उस कमरे में से रख लें। दरवाजे और खिड़कियों को आप बंद कर लें और लगभग 15 से 20 मिनट आप इसे जलने दें, और उसके बाद में खिड़कियों को खोल दें तो सभी मच्छर गायब हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर को लौंग की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो जब का जब ही खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है आपके ज़रूर काम आने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अपने कमेंट ज़रूर आप दें, आप बताएं कि आपको आज की वीडियो में सबसे बेस्ट वाली जो टिप है वो कौन सी लगी। इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।